हेलो एवरीवन, दिस इज पवन। वेलकम टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है जब हमें ये समझ आ गया, तो अब हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट करता है इकोनॉमिक्स से। अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इकोनॉमी वर्ड का मतलब बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ही एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है या टिकी हुई है। अगर मैं कहूं कि बिना इकोनॉमी के इकोनॉमिक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में हम रहते हैं और हमारी ही अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और हमारे ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर ये सारी चीजें इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी पढ़ना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होता है। बिना देरी से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। देखिए बेटा, इकोनॉमी एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, जो लोगों को क्या देती है, काम देती है और जगह देती है। मतलब इकोनॉमी एक ऐसी पर्टिकुलर एरिया है जहां पर रहकर लोग अपने लिविंग्स को अर्न करते हैं। अपने लिविंग्स को अर्न करने के लिए वो कई तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई सीए बना हुआ है, कोई मेरी तरह टीचर बना हुआ है, और कई ऐसे लोग हैं जो कि वेजेस पे डिपेंड करते हैं, कैजुअल वर्कर हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग यहाँ पर इकोनॉमी में रहकर अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त उनको जो उसके बदले में मिलता है, दैट इज मनी। और यही जो काम हम पैसे के लिए करते हैं, जो काम हम इकोनॉमी में रहकर पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो काम क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? कोई भी इंसान दो तरीके के काम करता है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखिए बेटा, इकोनॉमी में कौन रहता है? हम और आप। जब इकोनॉमी में हम और आप रहते हैं, तो हम दो तरीके के काम करते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू मनी। ये बेटा किससे रिलेट करता है? मनी से। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, तो ये रिलेट करता है काइंड, मतलब दया वगैरह से, सेल्फ कंटेनमेंट मतलब खुद की खुशी के लिए, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा पैसा, ऐसा काम जो कि हम पैसे के रिगार्डिंग नहीं करते, खुद की खुशी के लिए करते हैं, हमारी जो अंतरात्मा है उसकी संतुष्टि के लिए करते हैं, ऐसे काम को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप कहोगे मैम, ऐसा कोई काम होता है कि जो हम सिर्फ संतुष्टि के लिए करें, पैसे के लिए ना करें? हाँ होते हैं बेटा, ऐसे भी काम होते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भिखारी को खाना खिला दिया, मंदिर में आपने थोड़ा सा मतलब एक तरीके से दान दहेज दे दिया, शादी में आए हुए भूखे जितने भी बच्चे हैं उनको आपने कुछ गिफ्ट दे दिए, बर्थडे पार्टी में आपने ऐसे लोगों को बुलाया जो कि स्लम एरिया से रिलेट करते थे या जो वहां पे रहते थे, अगर ऐसा कोई काम हमने किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ऐसा थोड़ी है कि हम इकोनॉमी में नहीं करते, इकोनॉमी से बाहर जाकर किसी कोने का चुने में से करते हैं? नहीं, ये काम हम इकोनॉमी में रहकर ही करते हैं। तो इकोनॉमी में रहकर हम दो तरीके के काम करते हैं, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट टू मनी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट टू काइंडनेस। तो देखिए बेटा, इकोनॉमी जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, ये एक सोसाइटी भी हो सकता है। आपने बहुत सारे नाम भी सुने होंगे, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, ये कई सारी इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है, इकोनॉमी किसी भी कंट्री को बोला जा सकता है, इकोनॉमी किसी जो जगह है उसको बोला जा सकता है, इकोनॉमी सोसाइटी को बोला जा सकता है। बस समझना क्या है, इकोनॉमी एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो लोगों को काम कर देता है और काम करने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है, यही क्या है? इकोनॉमी है।
अब इकोनॉमी जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत वास्ट है। इकोनॉमी अपने आप में वास्ट क्यों है? क्योंकि पूरी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं, हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, और इन सभी चीजों को सही करने के लिए कौन आता है? इकोनॉमिक्स आता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, इकोनॉमी क्या होता है। तो आई थिंक इकोनॉमी आपको याद रखना है, इकोनॉमी इज अ पर्टिकुलर एरिया वेयर वी लिव एंड अर्न अवर लिविंग्स। इकोनॉमी एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां हम रहते हैं और अपने लिविंग्स को अर्न करते हैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करके, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, या फिर कोई भी हो सकता है। अब चलते हैं इकोनॉमी के वाइटल प्रोसेसेस के ऊपर। मतलब अगर हम एक इकोनॉमी में रह रहे हैं तो हम कौन कौन से काम करते हैं जिनके बदले हम वहां पे सर्वाइव करने में एक तरीके से पूरी तरह सर्वाइव कर पाते हैं वहां पे। तो बेटा देखिए, जो प्लेस है वो कोई भी हो सकती है, कोई मार्केट भी हो सकती है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई डिजिटल मार्केट भी हो सकती है। किसी भी तरीके की जगह पर रहकर हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई काम करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सेलर और बायर आमने सामने हो। क्यों? क्योंकि अगर पहले की बात करें तो मार्केट एक ऐसा एरिया था जहां पर एक सेलर और बायर आपस में मिलते थे, तब वो कोई डील करते थे या गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। बट अगर आज की बात करें तो ऐसा कहीं नहीं होता। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, न कस्टमर को पता है कि प्रोड्यूसर कौन है, न प्रोड्यूसर को पता है कि हमारे सामान कोई लेने वाला कंज्यूमर कौन है। तो जो प्लेस है इकोनॉमी में काम करने की, जो जगह है, वो आपका घर भी हो सकता है, घर से बाहर भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें जो प्रोसेस हम करते हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है बेटा प्रोडक्शन, नंबर टू पे आता है कंजम्पशन, देन आता है इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को करेगा, मतलब जब गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। दूसरी तरफ जो गुड्स और सर्विसेज एक प्रोड्यूसर ने बनाई, क्या बनाई? गुड्स और सर्विसेज। ये जब प्रोड्यूसर ने बनाई तो इन गुड्स और सर्विसेज को यूज कौन करेगा? कंज्यूमर। और जब वो इन कंज्यूमर जब इन चीजों को यूज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन। देखिए बेटा, दोबारा बता रही हूँ कि हमारे इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी जगह है जहां रहकर हम अपने लिविंग्स को अर्न करते हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब वो एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें सबसे पहले प्रोडक्शन है, फिर कंजप्शन है, फिर इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर किन चीजों का प्रोडक्शन करता है? गुड्स और सर्विसेज का। क्यों करता है? उसे खुद को यूज करने हैं? नहीं, वो प्रोडक्शन करता है एक कंज्यूमर के लिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन करता है, एक्सपेंडिचर करता है, डिमांड करता है गुड्स और सर्विसेज की। तो सबसे पहले प्रोडक्शन आ गया प्रोसेस में, नंबर टू पे कंज्यूमर आ गया, नंबर थ्री पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम ऐसे जगह पे पैसा खर्च करते हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, या फिर कई तरीके से हम ऐसे जगह पे पैसे लगाएंगे जहां से हमें कुछ बेनिफिट मिले प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो हेल्प करे। इन शॉर्ट अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब आपके पास में जो पैसा है उसके अंदर कुछ और एड होना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो देखिए बेटा, प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर करेगा, कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर करेगा, और इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। और तीनों काम हम कहाँ कर रहे हैं? कि तीनों काम हम इकोनॉमी में रहते हुए कर रहे हैं। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर एरिया था जहां रहकर हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके हमें क्या मिलता है? पैसा। और ये पैसा और ये रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, ये सारी चीजें ही हमें इकोनॉमिक्स समझाता है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि भाई किस तरीके से ये एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है इकोनॉमी में रहते हुए। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक था वो था हमारा इकोनॉमी। वो हमारा बस इतना ही था कि इकोनॉमी हमें समझना था कि क्या होता है। अब धीरे धीरे अगर हम उस पूरे चैप्टर की तरफ चले तो हम आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद इस पूरे चैप्टर को मैं छोटे छोटे सीरीज में, छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।